आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या जीतन राम मांझी एनडीए में जाएंगे? क्या 13 अप्रैल को जो दिल्ली में देश के गृह राज्य मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई थी, दोनों ने मिठाइयां खाई थी, क्या उसी समय सब कुछ तय हो गया था कि एनडीए में जाएंगे जीतन राम मांझी? शायद हां। तभी आज भी जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है, न वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है और न वो नीतीश कुमार के महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। जी हां, जीतन राम मांझी ने 8 साल के बाद कह लीजिए एक तरह से खुल के बोला है पत्रकारों के सामने। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2015 में नीतीश ने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत था। 2015 में नीतीश ने मेरे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, मेरा संगठन पर भी अधिकार था और मुख्यमंत्री होने के नाते संगठन का बैठक बुलाने का मेरा अधिकार था। यानी कि उस समय के जदयू अध्यक्ष को चैलेंज करना चाहा था जिसके कारण नीतीश कुमार उन पर नाराज हुए थे और उनको उन्होंने हटा दिया था। सबसे बड़ी बात इसमें जो आ रही है कि जीतन राम मांझी आखिर क्यों खफा है नीतीश कुमार से। उन्होंने आज भी पत्रकारों को कहा है कि हम महागठबंधन के कभी हिस्सा नहीं थे, मैं नीतीश कुमार को जानता हूं। उस समय जब मेरा और नीतीश का गठबंधन हुआ था उस समय राजद उसमें नहीं था, यानी कि राजद से परहेज है जीतन राम मांझी को। वो डिपेंड करता है नीतीश कुमार पे। कल ललन सिंह कहते हैं उन्होंने तुरंत आप लोगों को महागठबंधन से आउट कर दिया, एक ही बार में कह दिया। देखिए ये भी आप लोग भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जानबूझ के भुला देते हैं। हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार के साथ हम हटे हैं, महागठबंधन में रहे या न रहे ये जो कहता है तो फालतू बात कहता है। हम महागठबंधन में कब थे? हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन से मतलब नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये खुल करके बोले हैं, आप लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? विपक्षी एकता पर आपके निकलने का असर पड़ेगा? अब वो सब आगे की बात है, हेतु हेतु मजबूत की बात मैंने कहता हूँ, भविष्य के गर्व में है, 23 के बाद आप लोग देखिएगा। मामला यही जो है बिगड़ता हो सकता है नीतीश कुमार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार कहीं रहम बरत भी दिए होते जीतन राम मांझी पे, लेकिन नए युग के तेजस्वी जो हैं उन पर कहीं भी रहम दिखाने के मूड में नहीं दिखे और वो कह दिए कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। हमने ललन सिंह का बयान भी आपको सुनवाया, विजय चौधरी का भी सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कहीं आता आता है, जाता है आए जाए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने जो इस्तीफा सौंपा है उसमें उन्होंने लिखा था कि हम व्यक्तिगत कारणों के चलते अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। अब देखना यह होगा कि क्या जीतन राम मांझी के कदम जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ मिलाने के लिए तैयार हैं या मांझी कहीं अलग गंगा बहाने की फिराक में हैं, इस पर भी नजर बनी है। लेकिन आप बने